हेलो दोस्तों, आइए चलते हैं बिहार दिन भर की ताजा और बड़ी खबरों की ओर। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जिससे कि आपको बिहार दिन भर की ताजा और बड़ी खबर रोजाना मिलती रहे। पहली और बड़ी खबर, छपरा में पटाखा फैक्ट्री में हुआ ब्लास्ट, 3 लोगों की मौत। छपरा में पटाखा फैक्ट्री में ब्लास्ट होने से 3 लोगों की मौत घटना स्थल पर ही हो गई। 5 लोग घायल हैं। जिले के खुदाईबाग गांव में विस्फोट होने से 3 मंजिला मकान पूरी तरह से गिर गया। धमाका इतना जोरदार था कि करीब 2 किलोमीटर तक इसकी आवाज सुनी गई। छपरा के खुदाईबाग गांव में गैर कानूनी तरीके से पटाखा बनाने की फैक्ट्री चलाई जा रही थी। पटाखा बनाने के दौरान विस्फोट हो गया। इसके बाद पूरी बिल्डिंग भरभराकर गिर पड़ी। देखते ही देखते बिल्डिंग में आतिशबाजी शुरू हो गई। बिल्डिंग में ब्लास्ट की सूचना मिलते ही पुलिस बल मौके पर पहुंच गया। घटना वाली जगह पर घेराबंदी की गई है। अगली खबर, बिहार में मौसम विभाग का अलर्ट। मुजफ्फरपुर, वैशाली समेत पूर्वी बिहार के 19 जिलों में बारिश का पूर्वानुमान है। बिहार के लगभग सभी हिस्सों में अगले 24 घंटे बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक बिहार के मुजफ्फरपुर, दरभंगा, मधुबनी, शिवहर, सीतामढ़ी, वैशाली, समस्तीपुर, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, सहरसा, कटिहार, मधेपुरा, सुपौल, खगड़िया, जमुई, मुंगेर, बांका और भागलपुर, इन सभी जिलों में मध्यम दर्जे की बारिश और वज्रपात की प्रबल संभावना है। वहीं दूसरी तरफ पटना, जहानाबाद, गया, नालंदा, नवादा, बेगूसराय, लखीसराय, पश्चिम चंपारण, शेखपुरा, सिवान, सारण, भोजपुर, बक्सर, अरवल, कैमूर, रोहतास और औरंगाबाद में हल्की बारिश का पूर्वानुमान है। अगली खबर, बिहार में कोरोना संक्रमण का कहर जारी। 24 घंटे में मिले 321 मरीज। 122 मरीज के साथ पटना टॉप पर है। बिहार में कोरोना का कहर जारी है। पिछले 24 घंटे में बिहार में 345, वहीं पटना में 129 नए मामले सामने आए। बिहार में 322 मरीज शनिवार को सामने आए थे। इस दौरान पटना के PMCS में कोरोना से एक महिला की मौत भी हो गई थी। बिहार के कुछ जिलों में मिलने वाले नए मरीजों की संख्या के बारे में बात करें तो भागलपुर में 30, सुपौल में 24, अररिया में 22, मुजफ्फरपुर में 18, नालंदा में 16 और बिहार में विगत 24 घंटे में 119,735 लोगों की जांच की गई। अगली खबर, बिहार के संविदा कर्मचारियों के मानदेय में बिहार सरकार ने भारी बढ़ोतरी की। संविदा वाले डेंटल और फार्मेसी शिक्षकों का मानदेय अब 1,80,000 रुपये किया गया है। स्वास्थ्य विभाग ने राज्य के डेंटल अस्पतालों में फार्मेसी संस्थान में संविदा पर काम करने वाले चिकित्सक शिक्षकों के मानदेय में बढ़ोतरी की। अभी तक इस चिकित्सक शिक्षकों को तत्कालीन बाजार दर पर ही मानदेय निर्धारित किया गया था। अब इसमें सुधार करते हुए सभी शिक्षकों के मानदेय में वृद्धि की गई है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से इस संबंध में आदेश दिया गया है। डेंटल कॉलेज में नियुक्त प्रोफेसर का मानदेय 1,32,500 रुपये प्रतिमाह कर दिया गया है। लेक्चरर का मानदेय 1,75,000 कर दिया गया है। फार्मेसी कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर का मानदेय 54,000 से बढ़ाकर 85,000 कर दिया गया है। और छोटे संविदा कर्मी का मानदेय कब बढ़ेगा तो इनकी भी बातें संचिका में है, लेकिन सरकारी लापरवाही है कि छोटे संविदा कर्मियों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा। अगली खबर, मिड डे मील रसोईया के लिए बड़ी खुशखबरी, वेतन बढ़ाएगी बिहार सरकार। मिड डे मील योजना के तहत खाना पकाने वाले रसोईया को सरकार जल्द ही बड़ी खुशखबरी देने की योजना बना रही। दरअसल इन रसोइयों के वेतन में जल्द ही बढ़ोतरी की जा सकती है। केंद्र सरकार के इस फैसले से देश भर के करीब 25,00,000 रसोइयों को फायदा मिलने वाला है। मानदेय बढ़ाने के साथ ही साथ सरकार मिड डे मील रसोइया के कामकाज को बेहतर करने के लिए उन्हें ट्रेनिंग भी देने पर विचार कर रही। मिड डे मील को ज्यादा पोषक बनाने के लिए योजना पर काम किया जा रहा। देश में मिड डे मील योजना के तहत करीब 12 करोड़ से अधिक बच्चे खाने का लाभ लेते हैं। अगली खबर, बिहार के होमगार्ड जवान की नौकरी हो रही समाप्त। मुजफ्फरपुर से हटाए गए 19 होमगार्ड जवान। कमांडेंट ने मांगा स्पष्टीकरण। बिहार में होमगार्ड के कमांडेंट त्रिलोक कुमार ने 19 होमगार्ड के जवानों को ड्यूटी से हटा दिया। उनके ऊपर उत्पाद अधीक्षक ने जो आरोप लगाए हैं, इस आलोक में उनसे 7 दिनों के अंदर स्पष्टीकरण मांगा है। जवानों पर हुई इस कार्रवाई से होमगार्ड जवानों में काफी आक्रोश है। इस संबंध में जिला अध्यक्ष मृत्युंजय कुमार जल्द इस संबंध में जिलाधिकारी से मुलाकात करेंगे। उनका कहना है कि अगर जवानों को इंसाफ नहीं मिलेगा तो होमगार्ड जवान आंदोलन करेंगे। 15 पुरुष और 4 महिला होमगार्ड जवानों को हटाए जाने का कारण ड्यूटी में लापरवाही बरतने, पोस्ट से गायब रहने, सादे लिबास में ड्यूटी करने समेत कई गंभीर आरोप लगे हैं। हटाए गए जवान के ऊपर से मद्य निषेध की छापेमारी के लिए निकलने वाली टीम की सूचना माफिया को लीक करने का भी आरोप है। अगली खबर, बिहार के कई जिलों में आईबी ने जारी किया अलर्ट, कानून व्यवस्था बिगाड़ने के लिए रची गई साजिश। आपको बता दें कि आईबी ने एक बार फिर से बिहार पुलिस को अलर्ट किया है। इसमें आईबी ने बता दिया है कि फुलवारी शरीफ मामले के बाद कट्टरपंथी संगठनों के द्वारा विरोध प्रदर्शन के नाम पर समुदाय विशेष के लोगों को भड़काने या उकसाने की आशंका जताई गई। खासकर उत्तर बिहार और सीमांचल से जुड़े जिलों जैसे मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, दरभंगा, पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज, अररिया आदि में विशेष सतर्कता बरतने को कहा गया। इसके बाद सभी जिला पुलिस को चौकसी बढ़ाने व सतर्क रहने को कहा गया है। केंद्रीय एजेंसियां इन दिनों PFI और कुछ अन्य कट्टरपंथियों विचारधाराओं वाले संगठनों के द्वारा विभिन्न जिलों में तनाव फैलाने की साजिश का अंदेशा जताया है।
अगली खबर, जगदानंद सिंह के विवादित बयान पर सियासत हुई तेज, बीजेपी बोली तेजस्वी यादव करें कार्यवाही। राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के द्वारा पाकिस्तानी एजेंट के रूप में पकड़े गए लोगों में आरएसएस और हिंदुओं के शामिल होने के बाद भाजपा ने सख्त आपत्ति जताई। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने कहा कि राजद में परिवारवाद के बोझ से दबकर जगदानंद सिंह का मानसिक संतुलन खो बैठा है और यही वजह है कि जगदानंद समाजवादी नेता से परिवारवादी नेता बन गए। नव समाजवाद के लालच में तीसरी पीढ़ी की नौकरी करने के लिए जगदानंद बेचैनी में अनाप शनाप बयान दे रहे। वहीं मंत्री जीवेश मिश्रा ने कहा कि तेजस्वी को एक्शन लेना चाहिए। वहीं भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता अरविंद सिंह ने कहा कि जमीर बेचकर अमीर बनना जगदा बाबू आपको शोभा नहीं देता, देशभक्त संस्था के बारे में इस तरह का बयान देकर पूरे हिंदू समाज के खिलाफ बगावत आपको शोभा नहीं देता। अगली खबर, बिहार के 243 विधानसभा सीटों पर जीत के लिए बीजेपी का बड़ा प्लान, दिल्ली से 11 पॉइंट्स पर काम करने का मिला निर्देश। भाजपा ने अपने मोर्चा के पदाधिकारियों को 11 बिंदुओं पर काम करने का टास्क सौंपा। इसमें किसान, महिला, युवा, एससी एसटी, पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक मोर्चा के पदाधिकारियों को 2 दिनों तक गाँव में प्रवास करने का निर्देश दिया गया है। इसके लिए पार्टी ने प्रवासी पदाधिकारियों के आवभगत की जिम्मेदारी बाकायदा सभी सांसदों, विधायकों और विधान पार्षदों को सौंपी है। गाँव गाँव ले जाने की जिम्मेदारी बिहार के अलग अलग मोर्चा के पदाधिकारियों को दी गई। सभी मोर्चा के देश भर के प्रमुख नेता राज्य की सभी विधानसभा सीटों पर 28 और 29 जुलाई को प्रवास कर विभिन्न स्तर की बैठकें और संवाद कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। अगली खबर, मुजफ्फरपुर में शिक्षक बहाली में फर्जीवाड़ा, मुखिया, बीपीआरओ एवं पंचायत सचिव ने मिलकर किया खेल। जिले के मोतीपुर के जसोली पंचायत में शिक्षक बहाली में गड़बड़ी की पुष्टि हुई है। प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी, मुखिया और पंचायत सचिव की मिलीभगत से कम अंक के अभ्यर्थी को बहाल कर दिया गया। ऐसा तब किया गया जब काउंसलिंग के समय अधिक अंक वाले अभ्यर्थी भी वहां उपस्थित थे, उसे अनुपस्थित बताते हुए खेल किया गया। मामले की गंभीरता से लेते हुए डीएम प्रणब कुमार ने उक्त तीनों दोषियों पर विधि सम्मत कार्रवाई का आदेश दिया है। विदित हो कि गोला बांध रोड निवासी विनय कुमार से शिकायत मिली थी कि जसोली पंचायत में अधिक अंक रहने के बाद उसकी जगह कम अंक वाले की बहाली कर दी गई। डीएम ने मामले की जांच एसडीसी अभिषेक कुमार से कराई है। अगली खबर, भारत को दलाने के लिए आतंकी बिहार की जमीन को अपना नया अड्डा बना रहे। इसके लिए 3 मॉड्यूल एक साथ काम कर रहा। नेपाल बॉर्डर से दिल्ली तक आतंकी गलियारा तैयार किया जा रहा। तीनों संगठनों के काम करने का ट्रेंड तो अलग अलग है, लेकिन टारगेट भारत को तबाह करना ही है। तबाही के मिशन पर काम करने वालों में आतंकी संगठन सीमी का अपडेट वर्जन शामिल है, जो कि पीएफआई से जुड़े संदिग्ध लोगों से मिलकर अपने मंसूबे को अंजाम दे रहा। सबसे खतरनाक मकसद था फुलवारी शरीफ मॉड्यूल। सीमी के पुराने सदस्यों की मदद से 2047 तक भारत को मुस्लिम राष्ट्र बनाने के मकसद से पीएफआई बिहार में अपने संगठन और नेटवर्क को मजबूत करने में लगा है। यहां से गिरफ्तार अतहर परवेज को टैलेंट सर्च प्रोग्राम का काम सौंपा गया था और इसकी आड़ में डिबेट और सेमिनार विभिन्न मदरसों और अन्य जगहों पर होते थे, जिसके जरिए वैसे लोगों की तलाश की जाती थी जिनकी सोच कट्टरपंथी सोच से मिले। फिर उन लोगों का ब्रेन वॉश किया जाता था विभिन्न तरह के वीडियो दिखाकर। अगली खबर, जमुई की बेटी ने 25,000 फीट पर लड़ाया तिरंगा। जमुई जिले के छोटे से गांव के साधारण परिवार से ताल्लुक रखने वाले निशु सिंह ने पर्वतारोहण के क्षेत्र में एक और कामयाबी अपने नाम हासिल की। निशु ने लद्दाख के कांग यास्ते चोटी की 20,500 फीट की ऊंचाई पर तिरंगा फहराकर देश और राज्य का नाम रोशन किया। निशु सिंह ने कांग यास्ते की चोटी पर 15 जुलाई को चढ़ाई शुरू की और 21 को इसे फतह कर यहां पर भारतीय ध्वज फहराया। निशु सिंह ने एक बार फिर जमुई जिले का नाम रोशन किया। हिंदुस्तान एडवेंचर फाउंडेशन के तत्वाधान में फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष अंतर्राष्ट्रीय पर्वतारोही विपिन सैनी एवं गाइड पर्वतारोही नूर मोहम्मद के नेतृत्व में अंतर्राष्ट्रीय पर्वतारोही निशु सिंह लगातार पर्वत की ऊंची चोटी पर तिरंगा झंडा फहराकर देश का नाम रोशन कर रही है।